मेरठ के मेडिकल कॉलेज में आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट होने की खबर सामने आती रही है। इस बार मामला बीजेपी कार्यकर्ताओं और डॉक्टर के बीच मारपीट का है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे और इस दौरान डॉक्टरों ने कुछ दवाइयां उपलब्ध न होने की बात कही, जिसके चलते बीजेपी नेता ने डॉक्टरों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आरोप है कि डॉक्टर्स ने बाउंसरों के साथ मिलकर और बीजेपी ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर जमकर बवाल किया। कुछ समय पहले पुलिस को सूचना मिली, मौके पुलिस पहुंची। अभी डॉक्टर साहब से अभी आपकी बात हुई है, जिस आदमी ने डॉक्टर्स के साथ में मारपिटाई करी है, बदतमीज करी है, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। डॉक्टर साहब की तहरीर ले ली है, उचित धारा में उसमें FIR दर्ज करके और उनके खिलाफ कार्रवाई। अब जो भी हो, चाहे वो कोई किसी का बिरादरी का हो, किसी जात का हो, किसी पार्टी का हो, ऑन ड्यूटी अगर कोई इस तरह की बदतमीजी करेगा डॉक्टर के साथ में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मारपीट के दौरान जूनियर डॉक्टर ने बीजेपी नेता को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जब इस बात की खबर बीजेपी कार्यकर्ता को हुई तो वो थाने में ही नेता को जबरन छुड़ा कर ले गए और पुलिस सिर्फ देखती रह गई। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने निष्पक्ष कार्रवाई की बात कही है। न्यूज के लिए मेरठ से सचिन अग्रवाल की रिपोर्ट।